भोपाल में पानी की समस्या को लेकर सख्त सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने निगम कमिश्नर को लगाई फटकार। सुबह तक पानी की समस्या हल करने के दिए निर्देश। 3 से भोपाल में पानी की सप्लाई बाधित। रविवार को कांग्रेस ने भी किया था प्रदर्शन। गुना हत्याकांड के 2 आरोपियों ने की पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश। शॉर्ट एनकाउंटर के बाद पुलिस ने फिर किया गिरफ्तार। आरोपियों के हमले से पुलिसकर्मी भी घायल हुए। चिंतन शिविर से राहुल का मोदी सरकार पर बड़ा प्रहार। कहा अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई, युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। सड़कों पर उतरकर लड़ेंगे जनता की लड़ाई। दुर्ग जिले के थानेदारों को मिली नई पोस्टिंग। अन्य जिलों से आए इंस्पेक्टरों को दी गई पोस्टिंग। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने जारी किया आदेश। दंतेवाड़ा में शराब पीकर बाइक चलाना, एक शख्स को पड़ा महंगा। शराब के साथ बिना लाइसेंस बाइक चलाने पर 15,200 रुपए का जुर्माना। सीजीएस कोर्ट ने लगा जुर्माना। विदिशा में कुआखेड़ी के पास गैस सिलेंडर से भरे ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर। पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। उमरिया में बारातियों से भरी बस ने ट्रक में मारी ठोकर। हादसे में 4 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। मुरैना में 10,000 रुपए का इनामी बदमाश कान्हा पंडित गिरफ्तार। आरोपी पर हत्या के प्रयास, बलवा लूट सहित 13 मामले हैं दर्ज। रासुका के तहत कार्रवाई की तैयारियां। कवर्धा के कुकुदर थाना में वृद्ध महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। टोनही के शक में की थी हत्या, सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया था। खंडवा में राज्य शूटिंग एकेडमी भोपाल के लिए प्रतिभा चयन प्रतियोगिता का आयोजन। खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। आयोजन में बद इंतजामी से गर्मी में खिलाड़ी होते रहे परेशान। बिलासपुर में 2 अलग अलग जगहों पर ट्रेन से कटने से 2 लोगों की मौत। महाराणा प्रताप चौकी के पास मिले शव में हत्या की आशंका। उसलापुर स्टेशन के पास भी ट्रेन से कटने से 1 की मौत। सागर में खुरई के खिमलासा रोड पर बस ने बाइक सवार महिला और बच्ची को कुचला, दोनों की दर्दनाक मौत। पति गंभीर रूप से घायल। वारदात के बाद बस छोड़कर आरोपी ड्राइवर फरार। कोरबा में महिला का अश्लील वीडियो बनाने वाले 2 मजदूर गिरफ्तार। काम के दौरान दूसरी मजदूर महिला का अश्लील वीडियो बनाया था, पुलिस ने दोनों को भेजा जेल। बेमित्रा के मगरघटा में आकाशीय बिजली गिरने से 1 युवक की मौत। बेड़ चलाने के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से हुई मौत। राजनांदगांव के शीतला तालाब में दुर्लभ प्रजाति का सांप दिखने से लोगों में सनसनी। बीते 5 महीने में 4 से 5 लोगों को सांप काटने से हुई थी मौत। सागर में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू होकर कार पेड़ से टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। सानोधा थाना क्षेत्र की घटना। बेमित्रा में 2 ट्रकों में जबरदस्त भिड़ंत, दोनों ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत। एक हेल्पर गंभीर रूप से हुआ घायल। कवर्धा से रायपुर जा रहा था ट्रक, मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। बेमित्रा के गुनर बोर्ड के पास हुआ यह हादसा। एमपी में बिजली संकट बरकरार। खंडवा में अघोषित बिजली कटौती। सोमवार रात 3 घंटे की बिजली कटौती। भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। घर छोड़कर लोग बाहर सोने को मजबूर। जशपुर में भालू ने 2 युवकों पर किया हमला। दोनों ने भालू से देर तक किया मुकाबला। हमला में दीपक नाम का युवक घायल। कलिया जंगल की घटना। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर निकले डिनर डेट पर। मनाई शादी की फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी। दूसरी बार कोरोना संक्रमित हुए अक्षय कुमार। नहीं जा पाएंगे कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में। एक्टर ने ट्वीट कर दी जानकारी। देश में मौसम के कहर का अलग अलग रूप। दिल्ली में पारा 49 के पार, तो वहीं आसाम में बारिश बनी काल। केरल में आज भारी मौसम का अलर्ट। देश में कल के मुकाबले कोरोना के मामले में मामूली गिरावट। 24 घंटे में 2487 नए मरीज सामने आए। दतिया में बाइक में वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक के उड़े परकट से युवक की मौके पर हुई मौत। सिरुला थाना क्षेत्र की घटना। रायपुर में आज देवरण्य को बचाने के लिए रायपुर के तेली बांधा तालाब किनारे शहर के युवाओं ने प्रदर्शन किया। युवाओं में पोस्टर और नारे के साथ सेव हसदेव सेव लाइफ का नारा दिया। लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक किया।